रात के खाने के बाद कई बार कुछ चपातियां बच जाती हैं, जिसे सुबह लोग फेंक देते हैं या कुत्तों को डाल देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 12 घंटे से ज्यादा समय तक रखे हुए खाने को खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। मगर एक्सपर्ट्स के अनुसार बासी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ताजी की बजाय बासी रोटी खाना सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। बासी रोटी में ज्यादा पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इससे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। आज हम आपको बासी रोटी खाने के कुछ ऐसे फायदे बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी बासी रोटी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि बासी रोटी खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर एक, ब्लड ग्लूकोज रहता है कंट्रोल। डायबिटीज के रोगियों के लिए बासी रोटी खाना फायदेमंद होता है। डायबिटिक रोगियों को सुबह के समय ठंडे फीके दूध के साथ बासी रोटी खानी चाहिए। इससे आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल सही रहता है। नंबर दो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी ये समस्या है तो सुबह नाश्ते में इसका सेवन करें। ऐसा करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर तीन, पेट की समस्याएं। अगर आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो सुबह के समय दूध के साथ इसका सेवन करें। इससे आपको एसिडिटी, पेट में जलन के साथ पेट से जुड़ी कई प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। इसके अलावा गेहूं से बनी बासी रोटी में पाया जाने वाला फाइबर भोजन को पचाने में काफी मदद करता है और यह पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है। नंबर चार, वर्कआउट करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसका सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कई फिटनेस सेंटर और जिम में एक्सरसाइज के साथ सुबह बासी रोटी खाने की सलाह दी जाती है। इससे आपकी मांसपेशियों में बेहद मजबूती आती है और शरीर को ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। नंबर पांच, शरीर के तापमान को करें कंट्रोल। ताजी रोटी की बजाय बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है। बासी रोटी शरीर के तापमान को भी संतुलित बनाए रखने में मददगार है। दूध के साथ बासी रोटी को खाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा नहीं रहता। नंबर छह, एनर्जी मिलती है। अगर आप अपने आहार में संपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन नहीं कर पाते तो आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है। ऐसे में अगर आप अपने शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो बासी रोटी को अपने नाश्ते में शामिल करें। हर रोज कम से कम एक बासी रोटी खाने से आपके शरीर को ताकत मिलती है और आप पूरे दिन स्फूर्ति महसूस करते हैं। नंबर सात, दुबले लोगों के लिए फायदेमंद। कई बार कुछ लोग काफी दुबले होते हैं। अगर आप दुबलेपन से निजात पाने के लिए बासी रोटी खाएं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलता है और दुबलेपन से राहत भी मिलती है। दुबलेपन से निजात पाने के लिए आप सुबह दूध के साथ और रात में भोजन में एक बासी रोटी जरूर शामिल करें। नंबर आठ, पोषक तत्वों से भरपूर। ताजी रोटी के मुकाबले बासी रोटी में अधिक मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सेहत बनाने के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। इसलिए अब से बासी रोटी को फेंकना बंद करें और दूध के साथ इसे खाना शुरू कर दें। इन बातों का खास ख्याल रखें दोस्तों। बासी रोटी खाने से पहले भी आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे 12 से 16 घंटे पहले बनी हुई गेहूं की रोटी को अगर आप खाएंगे तो यह आपको फायदा पहुंचाएगी। आप रात की बची हुई रोटी को सुबह या सुबह बची हुई रोटी को रात में खा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पुरानी रोटी हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। एक और संदेश हम अपने नॉलेज टीवी के सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हैं कि दोस्तों, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ में न जाए नाली में। उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। देश में कई ऐसे गरीब हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आशा करते हैं आपको हमारा संदेश अच्छा लगा होगा।